गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी बहुमत पाने में कामयाब हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे गुजरात में इस बार कांग्रेस अपने 22 साल के सूखे को खत्म करके गुजरात की सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन आखिरकार बीजेपी गुजरात में अपनी साख बचाने में कामयाब रही। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के उन आर्थिक सुधारों को दिया जिस पर विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा था। पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी के मुद्दे को साधकर विपक्ष ने गुजरात में बीजेपी को हराने की उम्मीद बांधी थी। जीएसटी को लेकर गुजरात के कारोबारियों में सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा था, जिसको लेकर गुजरात में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन कारोबारियों के गुस्से को खत्म करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी में उन उत्पादों पर बड़ी रियायत का ऐलान जीएसटी काउंसिल से करा लिया जिसका सीधा ताल्लुक गुजरात के कारोबार से था। जीएसटी काउंसिल ने 7 अक्टूबर को 27 उत्पादों के टैक्स दर में कटौती का ऐलान किया, जिससे गुजरात के कारोबारियों के विरोध का सुर कमजोर पड़ गया। वहीं जीएसटी में टैक्स चोरी रोकने के कई बड़े प्रावधान भी थे, जिनमें नियमित कारोबार का पूरा ब्यूरो टैक्स विभाग को देना था। सरकार ने इसको लेकर हल्का कर दिया। इससे भी गुजरात के कारोबारियों का सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था वो खत्म हो गया। हालांकि इन कटौती के बावजूद भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि जीएसटी लागू होने से परेशान कारोबारी बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस की तरफ से जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स भी कह दिया गया, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनाव से ठीक पहले जीएसटी को सर के बल खड़ा कर दिया और हारी हुई बाजी जीत कर पार्टी को सिकंदर बना दिया। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।